हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन योर क्लास। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर रीडिंग द सेकेंड चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टू द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड कंपेयरिंग द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर इन GDP। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ न्यू टॉपिक कंपेयरिंग द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मीन्स वी आर गोइंग टू कंपेयर द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। हम अब सभी सेक्टर को इस बेसिस पे कंपेयर करने जा रहे हैं कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल प्रोडक्शन वी हैव सीन दैट द पोजिशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर हैज बीन चेंज एंड नाउडेज टर्शरी सेक्टर इज डोमिनेटिंग टू द अदर सेक्टर। बट सच काइंड ऑफ द स्टोरी सच काइंड ऑफ द चेंजिंग वी डू नॉट सी इन प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट। मीन्स ऐसा जो परिवर्तन है, जो ऐसी कहानी है चेंजिंग की, वो हम एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पे नहीं देखते हैं। अर्थात हम ये नहीं देखते हैं कि कभी कोई सेक्टर किसी को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो कभी कोई दूसरा सेक्टर। इसमें एक सेक्टर हमेशा से डोमिनेट करता रहा है और वो कौन सा सेक्टर है, वो है प्राइमरी सेक्टर। मीन्स इट इज द प्राइमरी सेक्टर विच इज प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। इन टू द अदर वर्ड्स वी मे से द प्राइमरी सेक्टर इज प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट देन द अदर टू सेक्टर। नियर अबाउट 50% पीपल आर स्टिल एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। लगभग 50% जो लोग हैं वो कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, फिफ्टी परसेंट पीपल जो है वो प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर वो क्या पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन पुट अप कि इफ इन GDP द टर्शरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग मोर इन टर्म ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, सो व्हाई द प्राइमरी सेक्टर इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग मोर इन टर्म्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन दिस सेक्टर। बच्चों, मेरे कहने का आशय यह है कि अगर प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा लोग एंगेज हैं, तो प्राइमरी सेक्टर GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहा है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगर हम दूसरे तरीके से क्वेश्चंस को पुट अप करें, इफ वी पुट अप द क्वेश्चन अनदर वे देन
द बोर्ड मे बी आस्क द क्वेश्चंस व्हाई द टर्शरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर इज नॉट प्रोवाइडिंग द मोर एम्प्लॉयमेंट देन द प्राइमरी सेक्टर ऑल्दो दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर इन जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। कहने का मतलब यह है कि अगर जीडीपी में टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो 75% कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इन जीडीपी अगर हम आज का इतिहास देखें, आज की बात करें, आज के आंकड़ों को देखें तो हम पाते हैं कि जो जीडीपी हमारी है उसमें जिसे सपोज करिए कि ये जीडीपी है, इस जीडीपी में जो 75% कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, सपोज करिए 100% है और क्या है जीडीपी है, तो इसमें 75% किसका है, अभी मैंने आपको बता दिया टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का है, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर का है, और 25% किसका है, प्राइमरी का है। ये कहाँ पे कर रहे हैं कंट्रीब्यूट इन जीडीपी। अब यही हम यहाँ भी लिख देते हैं कि 25% जो है वो किसका है, सॉरी 25% कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी। जीडीपी में आज की डेट में 75% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर का है, और 25% प्राइमरी सेक्टर का है, जबकि मोर देन 50% पीपल इज वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है, 25% है, और काम कितने लोग कर रहे हैं, मोर देन 50%। अगर हम केवल 50% भी लें तो आधे लोग कहाँ काम कर रहे हैं, केवल प्राइमरी सेक्टर में। तो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और वही बात यहाँ भी अप्लाई होती है कि अगर यहाँ कम लोग काम कर रहे हैं तो जीडीपी में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसको हम आगे जानते हैं। सबसे पहला रीज़न कि सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर इज प्रोड्यूसिंग द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज विच आर हाईली डिमांडेड बाई द पीपल, सो द वैल्यू ऑफ दियर प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज आर हायर देन द प्राइमरी सेक्टर। पहले क्वेश्चन का हमने आंसर आपको दिया, पहला क्वेश्चन जो हमारा था कि इफ लेस नंबर ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, सो व्हाई सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग मोर इन जीडीपी देन प्राइमरी सेक्टर। अगर प्राइमरी सेक्टर से कम लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो क्या रीज़न है कि टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आवर आंसर विल बी बिकॉज द टर्शरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर
आर प्रोड्यूसिंग मोर वैल्यूएबल सर्विसेज देन द प्राइमरी सेक्टर सो दियर प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज आर हाईली डिमांडेड बाई द पीपल्स सो द वैल्यू ऑफ दियर प्रोडक्ट इज ऑल्सो हाई. तो उनका जो वैल्यू है वो क्या है, हाई है. अब दूसरे आंसर पे अगर हम बात करते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द रीजन द प्राइमरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 25% ऑफ द टोटल GDP ऑल्दो मोर देन 50% पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर. जो हमारा इसका आंसर होगा उसको पहले हम थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं, फिर उसको हम एक निचोड़ के रूप में बताएंगे, कंक्लूजन के रूप में बताएंगे. देखिए तीनों सेक्टर्स को हम लिख दे रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर है, और ये सेकेंडरी सेक्टर है, और ये टर्सरी सेक्टर. अब एक एक को हम जान लेते हैं. सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है वो बहुत ही क्या है, कम है. People are forced to work in primary sector to earn their living. You can see the secondary and the tertiary sector is creating the less employment in the comparison of the total production. I want to say you that although the production of the secondary and the tertiary sector have been increased near about 10 times, but the employment has not been increased in the ratio of the total production. टोटल प्रोडक्शन की रेशियो में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, इट हैज़ इंक्रीज नियर अबाउट 5 times. एक एग्जांपल लें तो लगभग 5 ही गुना बढ़ा. यानी अगर प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा तो साथ साथ क्या बढ़ना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. प्रोडक्शन जो है वो हाई स्किल्ड लेबर्स ने मशीनरीज की हेल्प से और वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा करके बढ़ा लिया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट नहीं हुआ. तो अगर यहाँ पर केवल 25% पीपल एंगेज है, यहाँ भी 25% एंगेज है. अगर हम बात करें, सपोज करिए या रेशियो आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, तो बाकी जो लोग बच रहे हैं, जो 50% लोग बच रहे हैं, वो कहाँ पे काम करने के लिए बाध्य हैं, दे आर फोर्स टू वर्क इन प्राइमरी सेक्टर बिकॉज दे हैव नो अल्टरनेटिव च्वाइस. क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है. सो टू अर्न देयर लिविंग दे आर फोर्स टू वर्क इन प्राइमरी सेक्टर. अब क्वेश्चन पुट अप होता है कि क्या प्राइमरी सेक्टर में इतने लोगों को वर्क देने की कैपेसिटी है, इतने लोगों को वर्क दे पा रहा है? तो आवर आंसर इज नो. हमारा जो आंसर है वो नहीं है. तो फिर इतने सारे लोग एंगेज क्यों हैं? बिकॉज दे आर
engage in this sector to earn their livings means they are unable to get the work, full time work according to their potential. Means in a primary sector, the people who are working, they are less employed. They are not totally unemployed, वो पूरी तरह से बेरोजगार नहीं है, but they are less employed, underemployed, disguised employment. अभी इस टर्म को हम बताएंगे. Underemployed का मतलब होता है the peoples who are working but unable to get the full time work according to their potential. यानी ये एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो वर्कर है वो काम तो पाता है लेकिन पूरा टाइम काम नहीं पाता है, अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं पाता है. इसीलिए वो पूरी इनकम नहीं कर पाता बल्कि थोड़ी इनकम करता है. एक्चुअली इन दिस सेक्टर द पीपल शेयर टू दियर वर्क, अपने काम को क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं. एंड देयर इज ए ह्यूज कंपटीशन एमंग द पीपल, मीन्स देयर इज ए लेस डिमांड इन द प्राइमरी सेक्टर एंड द प्रोडक्शन इज हाई. मतलब काम करने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है लेकिन काम लोग करना चाहते हैं. तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं, जो काम को देने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, इस कंडीशन का बेनिफिट उठाते हैं और दे फोर्स टू वर्क इन दिस सेक्टर ऑन अ लेस अमाउंट. कम अमाउंट पे काम करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स करते हैं. सपोज करिए मुझे 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है काम करने के लिए और मेरे पास 20 आदमी आ गए काम करने के लिए. हर व्यक्ति चाह रहा है कि मुझे जॉब मिल जाए. तो अगर कोई 100 रुपीज़ की डिमांड कर रहा है तो दूसरा कह रहा है कि मैं 90 रुपीज़ पे ही क्या कर लूँगा, वर्क कर लूँगा. तो तीसरा कह रहा है कि मैं 80 रुपीज़ पे ही वर्क कर लूँगा. तो कोई कह रहा है 70 रुपीज़ पे ही वर्क कर लूँगा. मीन्स उनको उस काम की वो कीमत नहीं मिल पा रही है जो उनको वास्तव में मिलनी चाहिए. यानी वो क्या पा रहे हैं, कम काम पा रहे हैं. दूसरा अगर हम फैक्टर देखें तो मान लो एक कोई जो खेत में काम कर, एक व्यक्ति की खेत में काम करने की आवश्यकता है लेकिन उसी खेत में 3-3 लोग काम कर रहे हैं क्योंकि बाकी सभी लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको कोई काम नहीं है. सो दे ऑल वर्क इन द फील्ड्स एंड इन टू द रेस्ट टाइम दे हैव अ नो जॉब, और खाली समय में उनके पास कोई काम नहीं है. तो जो ऐसी कंडीशंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट. अब आइए हम उस टर्म के बारे में जानते हैं. अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसी को हम कहते हैं डिस गाइड. हम कहते हैं डिसगाइड अन एम्प्लॉयमेंट. दिस इज अ टर्म अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड द डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट विच रेफर्स टू द सिचुएशंस व्हेन द पीपल आर फेल टू गेट द जॉब अकॉर्डिंग टू देयर फुल कैपेसिटी एंड द पोटेंशियल. मीन्स ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति काम करता हुआ तो मालूम होता है लेकिन वो जो है पूरा वर्क नहीं पाता है, अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं पाता है. आइए हम अब इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं. तो हम कहते हैं दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन
who does not have a job and is clearly visible as unemployed. So this is the definition of the underemployment. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Means इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो छिपी हुई बेरोजगारी कही जाती है, जिसमें व्यक्ति काम करता हुआ तो दिखता है लेकिन उसे पूरा काम नहीं मिलता है। इसीलिए यह ऐसी बेरोजगारी के विपरीत है जो व्यक्ति पूरी तरह से काम नहीं पाया हुआ है, यानी ऐसी कंडीशन में व्यक्ति काम तो पाया है लेकिन अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पूरा काम नहीं पाया है। मीन्स अगर उसकी पोटेंशियल 500 रुपीज़ कमाने की है तो वो क्या कर रहा है, कम काम पा रहा है। जब हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, जॉब का क्रिएशन कम होता है, देन देर इज ए ह्यूज कम्पटिशन अमंग द पीपल्स टू गेट द जॉब। तो लोगों के बीच में काम पाने के लिए एक बहुत कंपटीशन होता है। एंड इंडिया इज अ कंट्री वेयर द मेनी पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं और अंडर एम्प्लॉयड हैं। तो अंडर एम्प्लॉयड में हम क्या करते हैं, एक प्रकार से जो हमारी विफलता है, जो हम फेल हो रहे हैं, उसे छिपाते हैं। लगता तो है कि काम पाए हैं लेकिन पूरा काम नहीं पाए हुए हैं। ये इसी जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो केवल प्राइमरी सेक्टर में ही नहीं देखने को मिलती, इट कैन बी आल्सो सी इन टू द टर्सरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। यू कैन बी सी देयर आर मैनी डेली वेज वर्कर कैजुअल वर्कर्स हु आर अनेबल टू गेट द जॉब डेली। ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं सच एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, डेली रिपेयरिंग वर्क करने वाले लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेली जॉब नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से काम नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर आवर गवर्नमेंट टू क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट। अब आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी सेक्टर में यद्यपि बहुत सारे लोग एंगेज हैं लेकिन वो सभी लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के काम को शेयर कर रहे हैं, अर्थात एक ही व्यक्ति के काम को तीन लोग क्या कर ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जिससे जो एक व्यक्ति को फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता, पूरा काम मिलता, वही काम तीन लोगों में शेयर हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो तीनों व्यक्ति अपनी फुल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेस प्रोडक्शन कर रहे हैं। जबकि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में हर व्यक्ति से ज़्यादा काम लिया जाता है, किसके लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में लोग अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए इसमें एंगेज हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज करिए कि किसी फील्ड में वर्क करने के लिए दो व्यक्तियों की ज़रूरत है लेकिन और लोगों के पास कार्य नहीं है, तो छः छः लोग उसमें क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जबकि आवश्यकता दो व्यक्ति की थी। दो व्यक्ति का ही जो एक इनकम है उसको छः लोग क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। ये कंपटीशन केवल एग्रीकल्चर में ही नहीं, अदर जगहों पर भी देखा जा सकता है। आप देखते होंगे कि चौराहे पर मार्केट में लोगों के बीच में सवारियों को ले जाने का भी एक कंपटीशन है। टेम्पूज वगैरह आप देखते हैं लाइन लगी रहती है और लोगों में कंपटीशन है कि कौन किसको बैठा करके अपनी चार्जेज ले सकता है। हर सेक्टर में एक कंपटीशन है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा दुकानें हैं, तो दुकानदार को भी क्या करना, अपने कस्टमर मेंटेन करने के लिए कंपटीशन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है उसे बेनिफिट होता है, जो एम्प्लॉयमेंट को बनाता है उसे, यानी हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉई है उसे कम लाभ होता है और जो एम्प्लॉयर है उसे ज़्यादा लाभ होता है।
अब हम जानते हैं कि ये जो बेरोजगारी है ये देश की व्यवस्था, देश के विकास के लिए बहुत बाधक है. द अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, बोथ आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर डेवलपमेंट, बोथ आर बैरियर्स इन द वे ऑफ आवर डेवलपमेंट. ये दोनों ही हमारी प्रगति के रास्ते में क्या है, बाधक है.